फंक्शन होता है जिसपे दाल पूरी खीर बनाई जाती है, तो हम आज वही रेसिपी लेकर आए हैं। इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले दाल पूरी का हम दाल उबालेंगे। तो ये दाल जो है चने की है, इसे हमने 4 घंटा पहले भिंगा लिया है। अब हम इसे कुकर में उबालने के लिए ले चल रहे हैं। दाल उबालने के लिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और हम इसमें दाल को डाल देंगे। तो ध्यान रहे, जब हम दाल भिंगा लेते हैं उसके बाद 2 बार धो लेते हैं, इसलिए इसका स्टार्च जो है वो निकल जाता है और अच्छे से ये बॉयल होता है। दाल में हम इतना ही पानी डालेंगे जितना कि दाल डूब जाए, हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। तो आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं, जितना अपना दाल डूबा है उतना ही हमने पानी इसमें डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम नमक डाल के ही दाल को बॉयल करेंगे, क्योंकि हम नमकीन पूरी बनाते हैं तो दाल में ही नमक डाल दिया जाता है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने हल्दी नमक मिक्स कर लिया है। अब हम लीड लगा के इसे अच्छे से बॉयल करेंगे, यानी कि 4 से 5 सीटी हम मरवाएंगे तो अच्छे से अपनी दाल बॉयल हो जाएगी। जब तक अपनी दाल पूरी की दाल उबल रही है, तब तक हम फटाफट खीर बना लेते हैं। खीर बनाने के लिए हमने 2 लीटर दूध उबलने के लिए रख लिया है। जब तक अपनी दूध में उबाल आ रही है, तब तक हम चावल को धो लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने चावल को 2 पानी से अच्छे से धो लिया है और दूध उबालने में टाइम है, तब तक हम पानी में ही चावल को छोड़ेंगे। हल्का सा फूल जाएगा तो खीर जल्दी तैयार हो जाएगी। अपनी चावल भी फूल गई है और दूध में आप देख सकते हैं अच्छे से उबाल भी आ गई है। तो हम पानी से चावल को ऐसे छानते हुए और धीरे से चावल दूध में छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने दूध में चावल छोड़ दिया है। अब हम इसे चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे। हमें तब तक पकाना है जब तक कि अपनी खीर सॉफ्ट ना हो जाए। आप देख सकते हैं, अपनी चावल जो है दूध के साथ बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो हमें खीर के लिए ऐसी ही पक्की चावल होनी चाहिए, यानी कि गल जाना चाहिए पर देखने में वो अच्छे से दिख रहा है। इस स्टेज पे हम ये शक्कर डाल देंगे। तो शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। किसी को ज्यादा पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद है, तो उस स्टेज पे थोड़ा सा अपना एडजस्ट कर लीजिए। हमने जो इलायची आपको दिखाया था उसे हमने छील के हल्का सा क्रश कर लिया है, वो भी हम खीर में डाल दिए हैं। अब हम इसे 1/2 मिनट तक उबालेंगे। शक्कर डालने के बाद हमें ज्यादा नहीं पकाना होता है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि दूध अपना फट जाता है। तो हम खीर में एक बढ़िया सा उबाल आने तक पका लेंगे। इतने में अपनी शक्कर जो है वो पक जाएगी और अच्छे से चावल के साथ वो मिक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, शक्कर डालने के बाद हमने 1/2 मिनट तक चावल को अच्छे से उबाला है दूध के साथ। तो अपना दूध शक्कर चावल अच्छे से मिक्स होके खीर तैयार हो चुका है। चलिए हम फ्लेम बंद कर देते हैं। तो हमने 1 पाव दाल को स्टफिंग करने के लिए 700 ग्राम आटा ले रखा है, इसे हम गूंद लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथ से मसलते हुए एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार किया है। वही आटा है जैसा कि हम पूरी पराठा के लिए तैयार करते हैं, रोटी के लिए। तो आटा अपना तैयार हो गया, हम इसे ढक के फूलने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक अपनी दाल पूरी का दाल चेक कर ले रहे हैं। अपने कुकर में 4 व्हिसिल आ चुका है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और जब तक गैस निकलेगा उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। इधर अपनी प्रेशर कुकर से प्रेशर निकल चुकी है, हम ढक्कन को खोल के दाल चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने जितना पानी डाला था उतने में कितना बढ़िया अपनी दाल उबल चुकी है। बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी नहीं है और थोड़ा सा पानी है, उसे हम फ्राई करके सुखा लेंगे तो ये बढ़िया सा दाल पूड़ी में भरने के लिए डो तैयार होगा। तो चलिए हम दूसरे गैस की भी चलते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई ले रखा है, बड़ी साइज की कढ़ाई होनी चाहिए। उसमें हम 1 चम्मच तेल डाल दिए हैं और उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा को हम चटकने देंगे, अपना जीरा हल्का हल्का
खुशबू आने लगा है, यानी कि जलने भी नहीं देना है और ज्यादा चटकने भी नहीं देना है। जस्ट इसमें से सोंधा सा एक खुशबू आए उतना ही हमें तेल में जीरा फ्राई करना है। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे क्या होता है, अपनी पूरी जो है वो बहुत चटपटी होती है, और मिर्च डालते ही हम फटाक से अपना दाल डालेंगे, नहीं तो मिर्च जल जाएगी। हमने कुकर का दाल सब ले लिया, अब इसे हम एकदम स्लो फ्लेम पे ऐसे चलाते हुए भूनेंगे। इससे क्या होगा, हल्का सा जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाएगा और अपनी दाल अच्छे से मैसी हो जाएगा। हम इसे आटे में जब भरेंगे तो बिल्कुल अपना आटा फूटेगा नहीं। आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवा के जैसे अपना दाल मिक्स हो जा रहा है। तो हम चलाते हुए इसे 2 मिनट तक सुखा लेंगे पानी। हमने 2 मिनट तक दाल को गैस पे भून लिया है। आप देख सकते हैं अपनी पानी जो था एक्स्ट्रा बिल्कुल सूख गया है, और ठंडा होने के बाद ये काफी फुरफुरा हो जाएगा, जिससे हमको स्टफिंग करने में अच्छा रहेगा। तो चलिए हम फ्लेम को बंद कर लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी दाल की स्टफिंग एकदम ठंडी हो चुकी है। चलिए हम आटा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना आटा अच्छे से रेस्ट कर चुका है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, बहुत बढ़िया फूला है। तो चलिए हम इसे स्टफ करना दिखा देते हैं। पूरी बनाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे डस्टिंग करने के लिए, और हाथ को पहले हम डस्ट करेंगे फिर एक लोई तोड़ेंगे। तो आपको जितनी बड़ी पूरी बनानी है उतना बड़ा आटा में से डो ले लीजिए, लोई तैयार कीजिए। जैसे रोटी का लोई तैयार होता है वैसे ही हमें तैयार करना है। इस लोई को हम फिर से आटा में ऐसे डस्ट करेंगे और अंगुलियों की मदद से एक कटोरी का शेप देंगे, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा स्टफिंग डालेंगे। तो यहाँ पे हमने दाल को ऐसे डाल दिया फैलाते हुए। अब हमें क्या करना है, सारे आटे को ऐसे अंगुलियों की मदद से ज्वाइंट करना है। ध्यान रहे फूटना नहीं चाहिए, नहीं तो हम फ्राई करेंगे तो तेल खराब हो जाएगा। तो आपको दिखा दे रही हूँ, सारे आटे को हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा जो है उसे हम ऐसे घुमाते हुए और तोड़ के निकाल लेंगे, और इस बॉल को फिर से एक बार राउंड कर लेंगे। तो ये अपनी पूरी का बॉल तैयार हो गया। तो लोई को सबसे पहले हमें अंगुलियों से ऐसे थपथपा देना है, इससे क्या होता है चारों तरफ अपनी स्टफिंग फैल जाती है। अब हम बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। तो दाल पूरी ऐसे ही बनती है जैसे हम आलू पराठा या पनीर पराठा बनाते हैं, तो इसे हमें एकदम पतली सी बेल लेनी होती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने हल्के हाथों से एकदम रोटी जैसे पतली सी दाल पूरी तैयार कर ली है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। हम एक छोटी सी लोई से ऐसे चेक कर लेते हैं कि अपनी तवा गर्म हुई है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं अपनी आटा चिपक नहीं रही है, इसका मतलब कि अपनी तवा पूरी बनाने के लिए बराबर गर्म है। हम ऐसे हाथ पे पराठे को उठा लेंगे और धीरे से तवा पे छोड़ देंगे। एक साइड से हम इसे हल्का सा सिकने देंगे, फिर आपको उलट के दिखाएंगे। एक तरफ से अपनी दाल पूरी सिक चुकी है तो हम इसे उलट लेते हैं। आप देख सकते हैं हल्का हल्का चीटी आया है, इतना ही हमें सेकना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। और दूसरे साइड से हम इतना ही और सेकेंगे। तो अपनी दूसरे साइड से भी दाल पूरी सिक चुकी है। अब हम एक चम्मच तेल लेंगे और इस साइड में ऐसे फैलाते हुए तेल सुपर देंगे। आप देख सकते हैं अभी ही अपनी दाल पूरी फूलना शुरू हो चुकी है, और हम दाल पूरी को धीरे से ऐसे उलट लेंगे और दूसरे साइड भी हम अच्छे से तेल चुपड़ेंगे। दाल पूरी में अच्छी सी तेल चुपड़ी हो तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए कितनी बढ़िया फुली फुली अपनी दाल पूरी तैयार हो रही है। फिर हम इसे उलट लेंगे और इसे दोनों साइड से करारेदार सेक लेंगे। तो हमने दोनों साइड से दाल पूरी को सेक लिया है, इसे हम एक प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से सभी पूरियां हम पका लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया दाल पूरी खीर बनाना कितना आसान है। इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और अपने मन पसंद सब्जी के साथ सर्व कीजिए। फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।